स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर सेकेंड टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे थे। ये प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ पेन जो होता है, व्हेन अ फील्ड इज सेलेक्टेड इन डिज़ाइन व्यू इट्स प्रॉपर्टी अपीयर्स इन द लोअर पेन। ठीक है, जैसे ही हम या फिर जब हम क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ पेन ओपन करते हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ पेन ओपन करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइन व्यूज़ आ जाते हैं, इनमें अपीयर हो जाते हैं लोअर पेन में। जर्नल टैब, द जर्नल टैब कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज यू विल वर्क विथ। ठीक है, जो जर्नल टैब होता है, जैसे कि हमारा जर्नल टैब है, ये वाला हमारा जर्नल टैब है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसमें हम वर्क करते हैं, जिसके साथ हम वर्क करते हैं। लुकअप टैब, द लुकअप टैब इज़ प्राइमरली यूज फॉर सेटिंग अप लुकअप लिस्ट। जो ये लुकअप टैब है, यहाँ पर आपकी जो सबसे पहले आपको जो सेटिंग करनी पड़ती है वो यहीं पर करनी पड़ती है, लुकअप लिस्ट में। ड्रॉप डाउन लिस्ट, सम प्रॉपर्टीज़ हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट। जो ये आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये वाली, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप नीचे आओ, ऊपर जा सकते हैं। क्लिक द एरो टू ओपन द लिस्ट, यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट होती है, इसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट खुल के आएंगे और उसमें क्लिक कर दोगे तो आप उसी में पहुँच जाओगे। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, When the insertion point is in a properties box, information about the property appears here. जो ये property information है, यहाँ पर property box ये है, इसमें आपके जो भी कह सकते हो आप, जिस भी चीज़ में आपको insertion point आपका आएगा उसकी properties इस box में खुल के आ जाएंगी। Yes and no properties, some properties represent yes and no question which have already been filled for you with default values. यहाँ पर जो yes and no values जो होती हैं वो क्या होती है, represent करती है questions को, और अपने आप यहाँ पर फिल्ड होते चली जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू से आपको यहाँ पर ऐसे नो लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर अपने आप ही लिखते हुए चली आती है। चेंज द फील्ड साइज, ईच फील्ड हैज़ अ साइज दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन इट। जो साइज है, फील्ड साइज जो होता है, उसका खुद की एक अपनी लिमिट होती है कि उसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेसिंग द फील्ड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फील्ड। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप फील्ड टाइप, जो फील्ड का जो साइज है, आप डिपेंड करता है फील्ड के टाइप के ऊपर, ठीक है, कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फील्ड टाइप, फील्ड साइज, मीनिंग, यहाँ पर टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखा जा रहा है आपके उसमें, तो 255 आप फील्ड साइज है, इसके ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। यू कैन स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 25। ठीक है, हाँ, इस टेक्स्ट में आप 0 से 25 की जो भी कैरेक्टर्स हैं, ABCD अल्फाबेट्स जो भी हैं, आप इसमें 255 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। नंबर डाल रहे हो तो लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए, मींस बाइट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रिप्लिकेशन, आईडी, डेसिमल्स, ये नंबर्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी डेसिमल फॉर्म में, कोई भी नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी आईडी हो सकती है लंबी सी। ऑटो नंबर, लॉन्ग इंटीजर, इसमें भी लॉन्ग इंटीजर, द सेम एज नंबर एक्सेप्ट दैट देयर आर ओनली टू चॉइस, लॉन्गर इंटीजर और रिप्लीकेशन आईडी। ये एकदम सेम एज ए नंबर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ एक्सेप्ट की जाती हैं, इसमें दो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, कौन सी, लॉन्ग इंटीजर और रिप्लीकेशन आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर्स डालें, कोई भी बाइट डालें, कोई भी इंटीजर डालें, सिंगल, डबल नंबर डालें, कुछ भी डालें आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं, इसका इमेजेस दिखा रखे, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आपको दिखा रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट के कैरेक्टर्स लिख रखे, पूरे टेक्स्ट फॉर्म में होगा। नंबर्स में यहाँ पर जैसे नंबर आ गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर्स में अगर आपने किया है तो इसके अंदर बहुत सारे खिल के आ गए हैं, रिप्लीकेशन आईडी, ठीक है, और डेसिमल, ये प्रॉपर्टीज़ आ गई इसकी। और अगर आप ऑटो नंबर में करते तो सिर्फ और सिर्फ ये दो ही खुल के आती हैं, और जैसे नंबर में सिर्फ ये दो नहीं खुल के आएंगे और सारी खुल के आती हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑटो नंबर्स में जब हम आते हैं तो। सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज़, अब फील्ड साइज प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट करना है, द डिफॉल्ट फील्ड साइज आर फॉर अ फील्ड दैट अ डाटा टाइप ऑफ टेक्स्ट इज 255 कैरेक्टर्स, यू कैन चेंज दिस साइज इन द रेंज ऑफ 0 to 25 कैरेक्टर्स। जो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, जो फील्ड साइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ जो डाटा टाइप आप कर सकते हो टेक्स्ट का, वो कितना है, 255 कैरेक्टर्स है, इसके अंदर आप 0 to 25 कैरेक्टर्स की ही रेंज आती है, इसके अंदर इतना ही आप टाइप कर सकते हैं। फॉर द टेक्स्ट डाटा टाइप, अब यहाँ पर टेक्स्ट डाटा टाइप के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फील्ड
हुज साइज़ यू वॉन्ट टू चेंज। ठीक है, आप यहाँ पर जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं, इनको आपको क्या करना है, क्लिक करना हो जिसका आपको साइज़ चेंज करना है। क्लिक ऑन जर्नल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टी एरिया, और फिर आपको यहाँ पर ये जर्नल टैब है, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टी खुल के आ जाएंगी। फिर एंटर द न्यू फील्ड साइज़ इन द फील्ड साइज़ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर ये फील्ड साइज बॉक्स खुल के आ जाएगा, और इसके अंदर आपको एंटर करना है कि 80 चाहिए कि 55 चाहिए, कितने चाहिए, यहाँ पर आपको करना होगा। फॉर द नंबर डाटा टाइप, अब नंबर डाटा टाइप का अगर साइज़ चेंज करना है तो क्लिक ऑन द फील्ड हुज साइज़ यू वॉन्ट टू चेंज। सबसे पहले वही करना है, अगर आपको फील्ड साइज़ किसी की भी नंबर्स का चेंज करना है तो उसको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर 5 फीस पे किया है। क्लिक ऑन जर्नल टैब इन द प्रॉपर्टीज़ एरिया, फिर आपको फिर से सेम जर्नल में क्लिक करना है, जर्नल टैब में क्लिक इन द फील्ड साइज़ रो, फिर यहाँ पर फील्ड साइज़ जो रो है ये खुल के आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो अपीयर्स ऑन द रो, फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरिया जो ये है, ये एरो खुल जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी क्या खुल के आ जाएंगे, मेन्यू खुल के आ जाएगी। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो टू चूज़ द फाइल साइज़ दैट यू वॉन्ट, यहाँ पर बहुत सारे वही लिस्ट खुल के आ जाएगी, हमने पढ़ा था नंबर साइज़ में बाइट इंटीजर लॉन्ग इंटीजर सिंगल, यही पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, इसमें जिसमें भी करना है आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यू कैन स्पीड अप डाटा एंट्री फॉर फील्ड दैट यूजुअली कंटेन द सेम वैल्यू बाई मेकिंग द वैल्यू द डिफॉल्ट।